तरीके का हाल यहाँ पर चल रहा है और क्या यहाँ पर भी सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, सरकार ने भी अपनी बहुत सी गाइडलाइंस दी है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनना हो, तो क्या यहाँ पर बाजार में भी सब कुछ चीज़ों का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल पालन किया जा रहा है जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन है, पूरे मास्क के साथ आपके साथ लेंगे, सारे सैनिटाइज के लिए हम लोग अपने सैनिटाइजर लेकर रखते हैं, हमने ग्लास लेकर रखते हैं, लोगों को भी जागरूक करते हैं, जो कस्टमर आता है उनको भी स्पेशल अवेयर किया जाता है कि ये पहनो। लेकिन हमारा सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से पंजाब में और यूपी में 2 दिन के लिए प्रॉपर संपूर्ण लॉकडाउन है, इसी तरह यहाँ भी 2 दिन, हरियाणा के अंदर भी 2 दिन पूरा संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि बाजारों का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइज का प्रोग्राम किया जा सके, इससे बाजारों में भी रौनक ज़्यादा रहेगी और काम भी मिलेगा। तो जिस तरीके से अब कुछ सामान बाहर से मंगाया जाता था, दिल्ली वगैरह से, तो क्या अब वो सामान आना बंद हो गया है या अभी भी वो सामान आ रहा है? सामान तो प्रॉपर आता ही है, लेकिन वो अब पहले वहाँ पे जाकर देखना पड़ता था और देख के लाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि व्हाट्सएप के ऊपर आ जाती है, पिक्स वगैरह व्हाट्सएप पे आ जाती है और प्रॉपर पक्के में माना जाता है, वहाँ पर अपना डिलीवरी हो जाती है, सामान तो आ ही रहा है, लेकिन स्पेशल कोशिश यही होती है कि 2 दिन के लिए बाजार को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोरोना वायरस से पहले और अब में ग्राहक के आने और जाने वाले की मात्रा कम या कुछ ज़्यादा हुई है? बहुत फर्क पड़ा है, मार्केट में जैसे क्राउड होता था, क्राउड नहीं है, नॉर्मली हो गया सब, बहुत इफेक्ट पड़ा है, डर तो होता ही सर किसी को, नॉर्मली जैसे पहले होता था बिना डर से आ जाते थे सारे, भीड़ को रखा हो जाता था, अब तो नॉर्मली हो गया, कम भी है किसी दिन, अब तो वैसे नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा डाउन। तो आपको इस चीज़ से कुछ वो होता है लाइक रिस्क टाइप, आपको कुछ फील होता है कि आप यहाँ पे दुकानदार पे इस तरह से बैठते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं, हम नहीं जानते कौन कहाँ से क्या संक्रमित हो या नहीं हो, तो आपको कुछ ऐसा डर लगता है अंदर से? रिस्क तो है ही है, लेकिन अब लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, काम भी करने हैं, घर भी चलाने हैं, रिस्क तो है ही है तो, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है अपनी, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता है, बाकी सेफ्टी पूरी है अपनी, पूरी सेफ्टी का जो बाकी हमारी। सर, जिस तरीके से अभी कोरोना पैंडेमिक में ग्राहकों की संख्या तो कम हुई है, क्योंकि सबको अपनी जान पे आ रही है, सब अपने घर में सेफ रहना चाहते हैं, तो क्या इसी तरीके से आपके सामान की बिक्री में भी कुछ फर्क हुआ है? बिल्कुल, बिक्री में तो 10% काम रह गया, बिल्कुल कम खत्म हो चुके हैं कोविड की वजह से, बिल्कुल कस्टमर गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, हर किसी की आमदनी पर फर्क पड़ा है, तो क्या ये बात सच है कि सच में जो दुकानदार है उनकी आमदनी पर फर्क पड़ा है इससे? इस बात का तो आपकी बात में सहमत हूँ मैं, बहुत फर्क पड़ा है इससे कोरोना से ना, मार्केट में काम कितने परसेंट, 30-40% लेके चलो आप 100 में से, ये इस चीज़ का बहुत फर्क है। जो जितने पहले ग्राहक आते थे अब उतने नहीं आ रहे हैं, उसमें भी कुछ फर्क है? कहने मतलब ग्राहकों की गिनती तो आप ही फर्क पड़ गया, जब काम 30% हो गया, 40 हो गया, तो फर्क तो पड़ेगा। जिस तरीके से अब सरकार ने ये टाइम भी चेंज कर दिया है, पहले 7 बजे तक का था कि 7 बजे सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अब DC ने 7 से 8 का टाइम कर दिया है, तो क्या इस 1 घंटे के फर्क से सभी दुकानदारों को कुछ फायदा होगा? नहीं, कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। किस तरह से 1 घंटे में आपको नहीं लगता कि कुछ कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं? ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई 10% का फर्क कह लो, 20 का कह लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस वो उससे ग्राहक थोड़ा सा घर से लेट चलता है, टाइम की वजह से, पहले जल्दी आ जाता था, अब लेट आ रहा है, ये फर्क है बस, वो कुछ नहीं, काम उतना ही है मार्केट में जितना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर भी अभी उतने ग्राहक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है? हमारी तरफ से तो दुकानदारों की तरफ से पूरा पालन किया जा रहा है, मगर कस्टमर हैं जो वो ध्यान नहीं रखते, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में, बुजुर्ग भी साथ में आ जाते हैं, कोई मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, अब इस चीज़ का पालन होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे बचाव में ही फायदा है। तो सरकार ने ये चीज़ कही है कि अंदर की तरफ कोई भी बाइक या कोई भी व्हीकल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो कस्टमर्स हैं वो लेकर के आ जा रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं आना चाहिए, उन कस्टमर को भी समझना चाहिए कि हमारी सुविधा के लिए किया गया, ताकि अंदर भीड़ ना हो, किसी को नुकसान ना लगे, कई प्रेग्नेंट लेडी आती हैं उनको चोट लग सकती है, कोई बच्चे होते हैं उनको चोट लग सकती है, ये थोड़ा नियमों का पालन करना चाहिए उनको।
तो जिस तरह से आपने देखा ही, ये था मीना बाजार का हाल। खैर, हर किसी कस्टमर के, हर किसी दुकानदार के, हर चीज को लेकर के अलग अलग विचार थे। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।